खबर भोपाल से, जहां उमा भारती का लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार आ गया है। उमा भारती लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मां गंगा का कार्य जरूरी है और जरूरत पड़ने पर चुनाव प्रचार करूंगी। उन्होंने कहा कि उम्र में पीएम मोदी से छोटी हूं पर पार्टी में ज्यादा वरिष्ठ हूं। बीजेपी मध्यप्रदेश में 29 सीटें जीतेगी, ये बड़ा ऐलान भी उमा भारती ने किया। तो मां गंगा का कार्य जरूरी बताया और 2 साल उन्होंने कहा कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, जरूरत पड़ने पर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। ये बात उमा भारती ने कही। गंगा जी मेरी माँ ही, और केदारनाथ में उस मजदूर को देख के तय कर आई थी कि राजनीति करूंगी ऐसे लोगों के लिए। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, आप सब मेरे परिवार के लोग हो, मैं गंगा का काम ठीक से कर सकूं तो इस विषय को आप ठीक से प्रस्तुत कर दीजिए। जगत जी से मैंने अभी आग्रह किया है, चिट्ठी भेजी उनको, पहले संतोष जी के द्वारा, संगठन मंत्री जी के द्वारा आग्रह करवाया, फिर परसों उनको मेल किया कि आप घोषित क्यों नहीं करते हैं कि मैं मना कर चुकी हूँ, मुझे नहीं लड़ना, राजनीति करूँगी, बीजेपी में रहूँगी, राजनीति करूँगी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना, ये वाला गंगा जी का काम करना है 2 साल, अपने आप को झोंक देना है बिल्कुल। और उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटने पर सहानुभूति जताई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटने पर उमा भारती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने हम लोगों के लिए बहुत दुख सहे, प्रज्ञा दीदी की वजह से आज हम जेल में नहीं है। जो उमा भारती ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि उन पर यानी कि साध्वी प्रज्ञा पर भगवा आतंकवाद केस में हमारा नाम लेने के लिए दबाव डाला गया। साध्वी प्रज्ञा इतना ही कहूंगी कि हम सबको क्षमा करें। उमा भारती ने अपने हृदय के उद्गार पेश किए हैं। साध्वी प्रज्ञा का भोपाल से टिकट कट जाने के बाद सहानुभूति जताती हुई नजर आई उमा भारती। तो बीच में हूँ, नाव चला रही हूँ, इसलिए किनारे पर करने। प्रज्ञा दीदी की जहाँ तक बात है, प्रज्ञा दीदी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हम लोगों के लिए, जेल में बहुत यातनाएं झेली हैं। आज अगर हम में से बहुत सारे लोग जेल में नहीं हैं तो उसका कारण प्रज्ञा दीदी है। उनको बहुत टॉर्चर किया गया था कि वो 2-4 नाम ले दें, जिसमें से एक नाम मेरा भी था और भी कुछ अन्य संगठनों के वरिष्ठ, बहुत बड़े वरिष्ठ महापुरुषों के नाम थे, कि इनके नाम ले दो कि ये सब भगवा आतंकवाद की रचना कर रहे हैं, जिसके दिग्विजय सिंह सबसे बड़े वकील थे भारत के, कि एक भगवा आतंकवाद पैदा हो रहा है देश के अंदर। एक कल्पना, उनको ना एक इल्यूजन हो गया था और उस इल्यूजन को वो सत्यता में बदलना चाहते थे। यहाँ कहाँ भगवा आतंकवाद करने की ज़रूरत है। दीदी माँ का टिकट कटा है, दीदी माँ बोल रही थी तो मैं सुन भी रही थी, मैं उनको दीदी माँ कहती हूँ, वो आई भी मुझसे छोटी लेकिन उनके चरण छूती हूँ, क्योंकि उनने बहुत, आप समझ नहीं सकते साहब, उस महिला ने बहुत कष्ट उठाए हैं, तो मैं तो उनको ये कहूँ।